हम लोग आ चुके हैं नुब्रा वैली के अंदर अपने होटल की तरफ, जिसका नाम है द वुडन रिजॉर्ट। और अब हम गाड़ी में से सामान वगैरह निकाल के चेक इन करते हैं। बहुत दूर था ये और रास्ता थोड़ा सा खतरनाक था, बट फाइनली वी हैव रीच्ड। नाउ कैन आई हैव सम रेस्ट। ये थोड़ा ना कैंप साइट जैसा है, मैं तुम्हें एक बार दिखाऊंगा ये वाला पूरा होटल कैसा है, फिर वो देखते हैं। तो अब मैं तुम्हें अपना रिजॉर्ट दिखाता हूँ। ये है द वुडन रिजॉर्ट। कैमल राइड का प्लान है, हम 7:30 बजे तक खुल ही रहती है, 6 बज गए हैं अभी। हमको तुम्हें रिजॉर्ट दिखाऊँ तो ऐसे देखो, छोटी छोटी वुडन कॉटेजेस बनी हुई हैं। मैं तुम्हें अभी अंदर से दिखाता हूँ मेरी वाली कॉटेज कौन सी और कैसी है। ऐसे बाहर ओपन एरिया भी है यहाँ पे, और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, ये नेचर से बहुत क्लोज है एरिया। मतलब यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स हैं और एक फ्रेश स्ट्रीम यहाँ पे बह रही है नुब्रा के अंदर, जिसका पानी हम पी सकते हैं। मतलब वो बहुत साफ है, बहुत ज़्यादा ही साफ। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम उसकी आवाज़ें भी आ रही होंगी। और अब मैं तुम्हें अपना रूम दिखाने वाला हूँ। तो रुको, ये देखो चिड़िया, देखो स्पैरो, दिल्ली में तो मर चुकी हैं सारी। ये मेरा रूम देखो, ये लो रूम नंबर 6 और 7। हला फोर दीजिए। अरे लॉक कर दिया है भाई मेरे को, बाहर खोल दे परी, है ही नहीं कोई मेरे कमरे में। उस आगे वाले में रखो सब, आगे सब वही कुछ है। कोई है इस कमरे में? कोई नहीं है मेरे कमरे में, लगता है परी दूसरे कमरे में। तो हम चलते हैं दूसरे रूम में हमारे। ये देखो दोनों मैडम लोग, कोई सा थैला नहीं है। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये रूम है, बहुत बड़ा रूम है, और यहाँ पर एक छोटा सा हीटर भी है, और यहाँ पर अलमारी वगैरह का सिस्टम भी रजाई दे रखी है। क्रेजी अलमारी, यहाँ बैठने का प्रोग्राम भी है। और अब वॉशरूम दिखाऊंगा, वॉशरूम भी बहुत सुंदर है। तो मैं अगर अपना रूम दिखाऊं तो मेरा रूम ये रहा। यहाँ पे 2 चेयर्स हैं और बहुत सुंदर क्रेजी क्रेजी बेड और शीशा जहाँ पे मैं सेल्फियाँ खींचूँगा यो, और लैंप लगा हुआ है, टीवी, साथ में हीटर भी दिया हुआ अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए तो, क्योंकि थोड़ा ठंडा एरिया है और वुडन के रूम्स हैं तो यार ठंड स्टॉप नहीं होगी यहाँ पे। पर यहाँ पे हमारे पास आता सुंदर सा एक बाथरूम, जिसमें एक छोटी सी लाइट और शार। तुम देखोगे ध्यान से तो ये बाथरूम मेरी हाइट का है, मतलब ये नो उड़ा है। और वाइपर भी दे रखा है सफाई करने के लिए, कि हम रूम सर्विस नहीं देंगे, खुद साफ करो। और क्यूट क्यूट बाल्टी और क्या कहते हैं इसको, बैठने वाला, सफाई वगैरह का ध्यान रखा है यहाँ पे। और बस तो आज का हमारा क्या प्लान है अब बचा हुआ, आज हमने बहुत सारी जगह कवर कर ली, उन सब के बारे में तुम बताओ, तुमको कौन कौन सी सबसे अच्छी लगी कमेंट करके नीचे मेरे को बताना। और मेन पार्ट, डबल हम्प कैमल, तुमको पता है डबल हम्प कैमल यहाँ पे बहुत फेमस है। डबल हम्प कैमल के ऊपर तीन बार बोल दिया मैंने चीज़ कि हम राइड करने जा रहे हैं, और यहाँ से 10-15 मिनट ही दूर है वो बस। तो मैं और पापा और परी, मम्मी थोड़ी सी थक गई है तो मम्मी शायद ना जाए, बट हम लोग जाएंगे। और फिर उसके बाद हम ब्लॉग को ख़त्म करेंगे वहीं सुंदर सी जगह पे, सनसेट के पास। तो चलो चलते हैं, एडवेंचरस तो हैं ही तो हम लोग। ओए हो ये तेरी पापा, कोई बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी थी, ये रही यहाँ पर जो मैं तुम्हें बता रहा था ना पीछे, जो यहाँ पे स्ट्रीम बहती है ये इतनी साफ़ है कि लोग इसमें से पानी पीते हैं। गलियों में यहाँ पर ऐसे इतनी प्यारी सी स्ट्रीम बह रही है, यहाँ पर लोग इसी से मतलब खाना वाना खाते हैं, पानी बना के तो उबाल के पी लेते हैं, ऐसे पी लेते हैं। और आज का जो हमारा वो वाला प्लान था सैंड ड्यून्स, जो
क्या नाम है अपना कैमल राइड का, वो कल के लिए पोस्टपोन हो गया क्योंकि परी थोड़ी सी बिजी है हमारी अभी और मम्मी थक गई है। और एक और चीज़ पैंगोंग की लेक के बारे में तुम्हें अगर मैं बताऊँ तो हम लोग पैंगोंग लेक जो थ्री डेट्स में तुमने लास्ट सीन देखा होगा वो वाली पैंगोंग लेक हम जाने वाले थे वाया नुब्रा वैली, बट चेंज इन प्लान्स बिकॉज जो रास्ता है 7.5 घंटे का, पहले तो 7.5 घंटे जाना और उस दिन वापस ले जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरी चीज़ ये तो चलो एक बार को हम कर भी लेंगे, दूसरी चीज़ वहाँ पे रोड ही नहीं है, 7.5 घंटे बिना रोड का रास्ता है, मतलब कच्ची रोड है एकदम और पत्थर पत्थर वाली है, तो गाड़ी को रिस्क में डालने वाली बात है जो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा करना, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे होटल भी नहीं है और वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि वो बहुत ऊपर जाके बॉर्डर के पास है और ठंडा एरिया है बहुत ज़्यादा, तो अगर वहाँ वीटी हो गई तो फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए हमारा प्लान ये है कि कल हम सुबह दिस्कित मोनेस्ट्री और अपना ये कैमल राइड करके निकलेंगे अपना ले की तरफ और ले में पहुंच के रेस्ट करेंगे आराम से। कुछ छुटपुट चीज़ें जो हमारी ले के अंदर रह रही है वो हमने कवर करनी है, देखते हैं टाइम ने अलाउ किया तो वो कवर कर लेंगे, फिर हम जाएंगे अपना अगले दिन पैंगोंग लेक, ठीक है। और होटल घुमाऊँ क्या कह रहे हो, होटल घूमते हैं अभी पैंगोंग लेक जाएंगे और उसी दिन हम ले से पैंगोंग लेक से जाके वापस आ जाएंगे। और ये हमारा आज अब तक का प्लान है, इसकी वजह से हमारे को क्या लॉस हो रहा है, लॉस ये है कि हमारा कारगिल में 2 दिन का स्टे था वो अब 1 दिन का होने वाला है, तो बस यही लॉस है छोटा सा, वो हम बेयर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बस हम चलते हैं आगे, तो मैं होटल दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कैसा है, फिर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं अपना मस्त अच्छे से, ठीक है। तुमने अभी ये देखा हमारे होटल के अंदर से स्ट्रीम बह रही है, ये एक्चुअली सिर्फ हमारे होटल से नहीं बह रही है, ये पूरे एरिया में ऐसे स्ट्रीम चल रही है बहुत देर से, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, एक जो ड्राइवर भाई था वो पानी भी पी रहा था, तो मतलब ये ड्रिंकेबल वाटर है। ये देखो हमारे होटल के अंदर यहाँ पे गार्डन्स है, ओपन सेटिंग है, यहाँ पे ना बॉनफायर होता है, हम मैं सिनेमैटिक्स वगैरह शूट करूँ अगर तो। कितने बड़े बड़े और यहाँ पे कैबेज वगैरह भी उगी हुई है, देखो उधर तुम देखो आगे, अच्छा आगे आगे बना हुआ बहुत अच्छी, यहाँ पर ऊपर ही खेती हो रही है, घी उगा के खाते होंगे। हाँ लग ही रहे हैं, ऊपर से स्प्रिंग अनियंस हैं और हमारे पास क्या क्या है खेती में इनके पास देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती प्लांट्स की, ज़्यादा प्लांट्स नहीं ग्रोथ है ये एरिया में, तो फिर भी काफ़ी ग्रीनरी है, बट बाकी नुब्रा वैली इज़ अ वेरी डिजर्टेड प्लेस। मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर भी तगड़ी तगड़ी खेती कति जहर, ये देखो दूर दूर तक पौधे हैं, हम पापा बताएंगे कौन कौन से पौधे हैं। एक तो मेरे को मूली लग रही है, मूली नहीं है वो आगे वाली, डार्क ग्रीन है ना ये कॉलीफ्लावर है, जो कॉलीफ्लावर है क्या, डार्क ग्रीन वाला दिख रहा है तुम्हें, डार्क ग्रीन वाला मूली नहीं है कोई सी, ये कैबेज है, ये कैबेज है, हाँ ये कैबेज लग रही है देखने में, ये वाला कैबेज है वो कॉलीफ्लावर है। और कौन से हैं और बताओ, पहचान पा रहे हो कोई और, कैबेज बहुत सारी होगी, ये शायद पॉक चॉय है, पॉक चॉय, हाँ पॉक चॉय का हुआ है, पॉक चॉय और का हुआ है, पॉक चॉय वेजिटेबल है, पॉक चॉय भाई ये फूल उग रहा है इसमें, भाई को बताओ बताएगा, ये कौन सा प्लांट उग रहा है, ये एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट है, लो यहाँ भी है, कौन सा वाला एप्रिकॉट, ये एप्रिकॉट है, ये लगे ना, ये क्या है, ये आलू है, पत्ता गोभी तो ये वाली होगी ना, ये क्या है, पैक्चो है क्या, ये जो ये हरे हरे हैं, हैं पैक्चो है ना, हाँ मैंने को भी लगा पैक्चो है, और ये गाजर है, ये गाजर है जो पतले पत्ते वाली ना, जी जी, एप्रिकॉट कौन सा है, एप्रिकॉट ही सामने है, ये पेड़ है, ये एप्रिकॉट के पेड़ है, वाह मैंने तो पहली बार देखा, ये आलू कौन सा, ब्रोकली ये क्या, ये आलू ये जिसके अंदर फूल आ रहा है,
ब्रोकली कौन सी है? पतला पतला वाला नहीं, जो लंबा होता है। हां हां हां, ये वाला ब्रोकली। ये कॉलीफ्लावर ब्रोकली के मिलते जुलते होते हैं ना। यहाँ से जो है अपना पैंगोंग की रोड, वो खराब है थोड़ी सी। हल्का सा खराब है सर, उसमें 15-20 मिनट का थोड़ा सा, 15-20 किलोमीटर बहुत खराब है रोड का। ही लोग बताया कि बहुत मतलब सारा पथरीला रास्ता ही है पूरा। नहीं नहीं सर, वो 15-20 किलोमीटर थोड़ा सा खराब है सर, वो रोड बन रहा है सर ना, इस वजह से थोड़ा सा वो पीछे होकर जाना पड़ता है सर दूसरे रूट से। अच्छा, इस वजह से थोड़ा सा खराब है। कितना देर का, 8 घंटे का रास्ता है पैंगोंग के लिए सर? नहीं नहीं, 4-5 घंटे का रास्ता है। 4-5 घंटे का रास्ता? जी जी, आप अपनी गाड़ी लेके आओ। 6 घंटे का रास्ता, अगर आराम से जाओगे 6 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। और ले जाएंगे वापस ले, अगर यहाँ से ले वापस जाना है तो कौन सा रास्ता है? खड़दुंगला वाला ही होगा सर, और तो कोई रास्ता नहीं। रास्ता नहीं उस रास्ते में कहीं कुछ गाड़ी वाड़ी खराब होगी ना, कुछ हो गया कहाँ पे पैंगोंग वाला, दिक्कत आ जाएगी। ले से पैंगोंग रास्ता ठीक है? हाँ हाँ सर, ले से पैंगोंग वाला तो सही है, सही रहे वो सही है। एक दिन हम रात को ले रुक जाते हैं, हाँ। यहाँ से चलते हैं वापस ले, रात को रुकेंगे ले में, अगले दिन पैंगोंग जाके वापस आ सकते हैं, वो हो सकता है। हाँ हो सकता है मेरे ख्याल, वहाँ से तो 3-3.5 घंटे का रास्ता। हाँ वो तो है सर, ले से पैंगोंग के लिए इतना ही है, एक दिन में आना जाना हो सकता है आराम से। तो फिर यही प्लान कर लेते हैं, एक दिन में आना जाना ही कर लेते हैं।